मेरी माँ मुझे बता रही थी कि बचपन में ना मैं बहुत ज़्यादा नटखट था, बहुत ज़्यादा नटखट था। फिर मेरी एक दिन इससे शादी हो गई, मेरे सारे नट ढीले हो गए, अब मेरी जिंदगी में केवल खट 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 हो रही है। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम मुझे शॉपिंग के लिए पैसा दोगे या नहीं? नहीं, मुझे पता ही था कि तुम मुझे मना ही करोगे। तुम एक नंबर के कंजूस और नीचा आदमी हो। इससे तो अच्छा मैं किसी शैतान से शादी कर लेती। पतियों की शक्ल भले ही बैगन जैसी हो पर बीबी पनीर जैसी चाहिए। नीलम, मैं तुझे इतनी देर से फोन मिला रहा, तेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा है? फोन मिलेगा कैसे? फोन तो मैं अपने साथ ले गई थी। अबे यार, मैं तुझे फोन कर रहा था बेवकूफ। तो ये बोलो ना कि तुम मुझे फोन कर रहे थे। मिल रहा है मिल रहा है, फोन क्यों ढूंढ रहे थे? फोन करते मिलता क्यों नहीं? देखो तुम्हारी कॉल भी नहीं आई इस पे। जा, सही में ही तू कम दिमाग है, इसलिए औरत का दिमाग घुटने में होता है। तेरा भी है क्या घुटने में? तुम्हारा ही होगा। मेरा पता है, आज मैंने एक रेस्टोरेंट में गई थी, तो वहां पे मैं बैठी थी, तो वहां पे एक लड़का आया और वो मुझसे पूछता है कि मैम आप सिंगल हो? मैं बहुत खुश हुई और मैंने खुश होकर हाँ मैं सिंगल हूँ। तो उसने क्या करा, मेरे बगल वाली कुर्सी उठा कर लेकर चला गया। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों होता है? आपको एक पते की बात बताऊं, जो लोग मेरी तरह मोटे हैं ना वो जल्द से जल्द पतले हो जाएं, वरना मुसीबत के समय पतली गली से कैसे निकलोगे? मेरे नई पैंट कहाँ है? कौन सी? अभी ली थी वो कि 2 साल पहले ली थी वो? ये डोबी, 2 साल पहले ली हुई पैंट नई कैसे हो सकती है? क्यों, जब आपने ली थी तब आप ही बोलते थे नई पैंट नई पैंट। फिर सातवीं फेल। मुझे तो अभी तक समझ में ये नहीं आ रहा है, सातवीं तक भी तू पहुंची कैसे? सातवीं क्या, मैं तो दूर दूर तक पढ़ना चाहती थी, लेकिन स्कूल वालों की 3 गलती की वजह से मैंने स्कूल छोड़ दी। स्कूल वालों की गलती? हाँ, उन्होंने सातवीं में मुझे 3 बार फेल जो किया। मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी ना तब घर घर खेलती थी, तब मैं डॉक्टर ही बनती थी और सब लोग मुझे दीदी बुलाते थे। दीदी डॉक्टर दया। उसने तुम इंग्लिश आती है? हाँ सर आती है। हाँ तो बताओ बेरे को इंग्लिश में क्या बोलते? बेरे को सर, बेरे को कुछ भी बोल दो उसको क्या सुनाई देगा? ये कॉइन है, एक का कॉइन है, ढक्कन खोलूंगा और मैं इस कॉइन को यहीं से अंदर कर दूंगा और देख लेना। करू देख चला गया। तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्यों, क्या कर दिया मैंने? तुमने मुझे नौकरानी बना के रख रखा है। सारे काम तो मैं करता हूँ, बर्तन मैं धुलता हूँ, रोटी मैं बनाता हूँ, झाड़ू पोछा मैं करता हूँ, कपड़े मैं धोता हूँ, हैं? तुम क्या करती हो? बच्चे नहलाता मैं हूँ, तैयार मैं करता हूँ, तुम क्या करती हो? फिर तुम नौकरानी कैसे हो गई? हाँ तो मैं नौकर की भी नौकरानी तो हुई। ए, क्या बोलती तू? ए, क्या मैं बोलूं? सुन सुना मेरे लिए चाय बना। पहले मैं बहुत गरीब था, फिर एक दोस्त के कहने पे आईपीएल में सट्टा लगा, अब रोटी भी गुरुद्वारे पे ही खाता हूँ। दुनिया वाले चांद पर पहुँच गए हैं और एक मेरा दूल्हा है अपने ससुराल तक नहीं पहुँच पा रहा है, निकम्मा कहीं का, उसी के चक्कर में मैं भी नहीं जा पा रही हूँ। क्या हुआ यार, समझ नहीं आ रहा आज क्या सब्जी बनाऊं? पनीर बना ले। पनीर आपने लाके कहाँ दिया था मुझे? क्या है घर में, आलू बना ले। आप ही तो बोलते हो कि रोज रोज आलू मत बनाया कर। दाल रात को ही तो बनाई थी। गोभी बेटी नहीं खाती।
छोले बना ले। उन्हें पहले भिगोना पड़ता है। यार तू कुछ भी बना ले। समझ ही तो नहीं आ रहा क्या बनाऊं? बताओ ना। यार तू मेरा दिमाग खराब मत कर, तू बाहर से मंगा ले। खाना बन गया? नहीं। क्या बात है यार, हर रोज रात को आके मैं खाना बनाता ही हूँ ना। आज पहली बार तेरे को बोला था कि लेट हो जाऊंगा, तू खाना बना के रख दियो। रहने दे मैं बाहर से ही खा लूंगा। 10 मिनट रुक जाऊंगा। क्या हो जाएगा 10 मिनट में? मैं रेडी हो जाऊंगी ना, दोनों ही बाहर चल के खाना खा लेंगे। मैं भी चलती हूँ। भगवान है कहाँ रे तू।